ਕਬਰੂ ਕਗੜੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਫੜਕੇ ਨੀ ਹੱਥ ਫਸਾ ਲੈ So, hey guys, जैसे कि अभी आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइज, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल चल रही है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से इस रील वीडियो की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो, बट अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपके लिए डेली ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग लाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टू गेट स्टार्ट वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर इस वीडियो की एडिटिंग करने के लिए अपने फ़ोन के अंदर एक ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि एक सुपर वीपीएन। आप एक कोई भी वीपीएन प्ले स्टोर से, आईफोन में, एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देन गाइस, अब यहाँ पर आपको सिंपली अपने फ़ोन के अंदर कैपकट ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है तो सबसे पहले आप उसको डिलीट कर दो, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। आपको कैसे, न्यू से न्यू अपडेट वर्जन ओके कैपकट का एंड्रॉइड के अंदर या आईफोन के अंदर कैसे डाउनलोड करना है, सो वो मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको कोई भी अपनी एक वीडियो ऐड कर लेनी है। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वीडियो ऐड कर ली है। यहाँ से इसके म्यूजिक को मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि हमारा बाहर का म्यूजिक आ ही जाता है कोई भी आवाज़। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर गाइस, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक म्यूजिक को ऐड करना है। तो ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस मैं एक ये ऑडियो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर ये ऑडियो चल रही है। मैंने ऑडियो ऐड कर ली, इसको हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं। करने के बाद इस ऐप का एक छोटा सा वाटर मार्क आता है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। इस अब स्टार्टिंग में आना है, अब इसकी एडिटिंग करनी है। सबसे पहले दो फिंगर की मदद से इसको गाइस फुल जूम करना है। ओके, स्टार्टिंग में आना है, फुल जूम करने के बाद अब हमें गाइस थोड़ा स्क्रॉल करना है। ये देखना भाई 6F 8F आ रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जैसे ही 20F आता है, इस 20F के ठीक सामने वीडियो को रोकना है, इस पर क्लिक करना है, स्प्लिट कर देना है। करने के बाद अब हमारी वीडियो दो पार्ट हो चुके हैं, एक ये पार्ट देन गाइस एक ये। ओके, तो सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है यहाँ, और गाइस इसकी स्पीड हम कर लेते हैं 0.3x। ओके, 0.3x करने के बाद गाइस अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसमें एक स्प्लिट और लगाना है। अब दो फिंगर की मदद से हम इस वीडियो को जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा भी स्क्रॉल कर लेते हैं। और जाने के बाद अब हमें जाना सीधे गाइस 6 सेकंड पर, ठीक है, 6 सेकंड पर हम चलेगा। अब इसको वीडियो को जूम करेंगे 6 सेकंड पर आने के बाद। जैसे ही हम इस वीडियो को जूम करेंगे तो अब हमें जाना है गाइस, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, हमें पूरा फुल जूम करने के बाद ये देखिए 6 सेकंड ये आ रहा है। उसके बाद गाइस देखिए 2F 4F 8F 10F, हमें रोकना गाइस सिंपली यहाँ पर 14F। जैसे ही 14F आता है ना, इसके ठीक सामने वीडियो को रोकना है, वीडियो पर क्लिक करना है, स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने के बाद अब हमारी वीडियो को 3 पार्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइस अब हमें फिर से एक स्प्लिट और लगाना है बस लास्ट, जो कि हमें लगाना है 8 सेकंड पर। तो सिंपली हमें 8 सेकंड पर आना है। 8 सेकंड पर आने के बाद थोड़ा दो फिंगर की मदद से इसको जूम करना है, और गाइस जूम करने के बाद देखिए 8 सेकंड पर मैं आ चुका हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करूँगा तो हमें रोकना गाइस यहाँ पर 24F पर। ओके, ये देखिए गाइस 24F पर मैं यहाँ पर अपनी फोटो को रोक लेता हूँ, वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं। बस हमें इसमें आप कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हमारी रील बन जाएगी। बट अब गाइस हमें इसके अंदर क्या करना है वो मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए गाइस मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, अपने सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है। गाइस हमें स्पीड तो कुछ नहीं करना, बट इसके अंदर हमें स्मूथनेस ऐड करनी है। सिंपली मेक एंड स्मूथर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर बेटर क्वालिटी पर क्लिक करना है, और इसको राइट पर क्लिक कर देना है। जस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर ये अप्लाई हो ही जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग लाते रहता हूँ। ओके, सो गाइस ऑटोमेटिक हमारा ये अप्लाई हो चुका है, अब हमारी वीडियो के अंदर स्मूथनेस आ जाएगी। ओके, ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छी हमारी वीडियो स्मूथ बन जाएगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए गाइस थर्ड वाले पार्ट पर आना, इस पार्ट पर क्लिक करना है, थर्ड वाले पर एनिमेशन पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा रोक वर्टिकल, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद अब गाइस हमें वही अपने थर्ड वाले पार्ट पर आना है, बिल्कुल जो लास्ट पार्ट है हमारा। ओके, लास्ट पार्ट पर आने के बाद सिंपली गाइस स्पीड पर क्लिक करना है, नॉर्मल पर क्लिक करना है, और इसकी स्पीड को हम कर लेते हैं गाइस नॉर्मल, जो कि हमारा है 1 सेकंड। ओके, 1 सेकंड, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना। 1 सेकंड की स्पीड करने के बाद लास्ट वाले पार्ट पर फिर से क्लिक करना है, स्टाइल पर क्लिक करना है,
लास्ट में आना, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, आपको अपने फोन से कैपकट ऐप की एडिटिंग कर लेनी है, वीपीएन जरूर कनेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पर ऑटो वेलोसिटी पर क्लिक करना है। जस्ट कुछ सेकंड में ये भी हमारी इस पर जनरेट हो जाएगी। ओके, सो थोड़ा सा वेट कर लेना है। गाइस मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप मेरी ही चैनल से अपनी रोज की रील एडिट करके अपलोड करोगे तो जल्दी आपकी कोई ना कोई रील 100% वायरल हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू से न्यू ट्रेंडिंग रील्स की एडिटिंग लाता रहता हूँ। ओके, सो अब इसमें देखिए ऑटोमेटिक एडिट हो चुकी है, फिर से एक बार इस पर क्लिक करना है, इसको मैं 1 सेकंड करना है, देन फिर से गाइस यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और थोड़ा सा वेट कर लेना है। हमारी जो वीडियो देखी गई बन चुकी है, अब हमें क्या करना है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हमें स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आने के बाद हमें सिंपली गाइस बैक आना है बिल्कुल, और इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करना है, हेलो ब्लर लगाना है, एक बार और क्लिक करना है इंटेंसिटी फुल और इसको 20%, ओके 20, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद इस इफेक्ट को लगाना है हमें सेकंड वाले पार्ट तक, ये देखिए ओके सेकंड वाले पार्ट तक। फिर से स्टार्टिंग में आना है, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है, इधर स्क्रॉल करेंगे तो आएगा हमारा लाइट इफेक्ट, लाइट इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें लगाना है लीक सेकंड। ये लाइट इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लग रहा है और ट्रेंडिंग भी चल रहा है, इसको हम लगाएंगे इसी के बराबर। ओके, बराबर लगाने के बाद अब हम अपने सेकंड वाले पार्ट पर आएंगे, कुछ स्पेस छोड़ेंगे स्टार्टिंग का, उसके बाद हमें फिर से बॉडी इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर लगाना है गाइस स्ट्रोक पर क्लिक करना है, स्ट्रोक पर और सेकंड वाला स्ट्रीमर स्ट्रोक लगा देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाएगा इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से गाइस यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट्स पर और अब जाना हमें फिर से गाइस यहाँ पर लाइट इफेक्ट पर और जाने के बाद थोड़ा स्क्रॉल नीचे की साइड करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लीक वन, इस लीक वन पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है और जितनी बड़ी हमारी ऑडियो है बैक आते हैं, जितनी बड़ी गाइस हमारी ये ऑडियो है इस ऑडियो को हम इतना ही कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारी ऑडियो है, सिंपली गाइस ऑडियो को हम रोकते हैं, ठीक है, तो ऑडियो बराबर रोकेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। ओके, बस हमारी वीडियो जो है वो बन जाएगी, बट एक कमी इसके अंदर अभी भी रह गई है, वो क्या है गाइस, वो कमी ये है, यहाँ पर देखिए गाइस आपको देखिए 3 माइनस का साइन दिख रहे होंगे, एक फर्स्ट ये, सेकंड ये, देन थर्ड ये, आपको थर्ड वाले माइनस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करना है, सेकंड वाला यहाँ पर पुल आउट लगा देना है, देन यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। अब ऑटोमेटिक हमारी वीडियो जो है काफ़ी अच्छी बन चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, सो आपने देखा प्रोफेशनल रील आपकी एडिट हो चुकी है, आपको अच्छी तरीके से शूट करनी, मेरी पुरानी ही वीडियो शूट हुई थी, मैंने इसी पर एडिटिंग करके एग्जांपल आपको दिखा दिया है। सो अब आप कैसे इस वीडियो की ऑडियो और न्यू से न्यू कैपकट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, न्यू वर्जन वाले वो कैसे कर सकते हो, मैं आपको वो बता देता हूं। तो गाइस किसी भी वीडियो का मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली उसके टाइटल पर क्लिक करना है, यहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करना है, पहले इसको पढ़ लेना है, देन गाइस यहाँ पर ये लिंक ओपन हो चुका है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको यहाँ पर मिलेगा टेक्निकल आशू, इस टेक्निकल आशू लिंक पर क्लिक करना है वेबसाइट पर और यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको इसका थंबनेल मिल जाता है तो इसके थंबनेल पर क्लिक कर देना है, नहीं तो ऊपर सर्च कर लेना है, जो टाइटल जिस टाइटल ये वीडियो का होता है वो टाइटल आपको देख लेना है और यहाँ पर वेबसाइट पर आकर आपको वो टाइटल टाइप कर देना है, सबसे ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा, आपको उसके थंबनेल पर क्लिक करना है जिसका भी डाउनलोड करना है मटेरियल और यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे लास्ट में आपको मटेरियल लिंक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ऊपर आपको स्प्लिट का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ओके।